हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नेवी बॉय में। दोस्तों, आपको पता है कि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरा प्लेसमेंट कैसे हुआ, कहां से हुआ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लड़कों का मैसेज आ रहा है कि सर किधर से आप प्लेसमेंट लिए, कहाँ से ट्राई किए, कैसे मिला और ज्वाइनिंग कहाँ से किए। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को प्रॉपर बताने वाला हूँ कि मेरा प्लेसमेंट कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। बाकी का मैं ये भी बताऊँगा इस वीडियो में कि मुझे प्लेसमेंट लेने में कितना दिन लग गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात कि मेरा जब जीपी फाइनल हुआ, जीपी रेटिंग कोर्स जब मेरा कम्प्लीट हुआ, 2 महीने के बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद मैं पास हो गया, तो उसके बाद प्लेसमेंट के चक्कर में पड़ा कि प्लेसमेंट कैसे होगा, कहाँ से होगा, जिसके लिए मैं मुंबई गया। मुंबई जाके सीमेन हॉस्टल में, जो मस्जिद बंदर में है सीमेन हॉस्टल, वहाँ पे मैं रुका, वहाँ पे 3 महीना रुका। 3 महीना रुकने के बाद अलग अलग ऑफिस पे गया और सीवी जमा किया अपने दोस्तों के साथ में। तो हम लोग ऑफिस में जाते थे तो सीवी जमा करते थे और पूछते थे कि सर कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगा या कोई चांस है या नहीं। तो वो लोग क्या बोलते थे कि हाँ हो जाएगा, अभी वैकेंसी नहीं है, आप जाओ, आपको कॉल किया जाएगा। बहुत से ऑफिस पे ऐसे देखने को मिला। मैं मेरे दोस्त के साथ में था और गया था, सीवी दिया और वो लोग बोला कि ठीक है सीवी जमा कर दो, साइन कर दो और आप जाओ, ज़रूरत पड़ेगी तो कॉल जाएगा। और जैसे ही हम लोग पीछे मुड़े तब तक हम लोगों का सीवी ऐसे करके राउंड करके और डस्टबिन में फेंक दिया। तो ऐसा होता है मुंबई में कि सीफेरा लोगों के साथ, कि जो क्रू लोग होते हैं फ्रेशर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जो भी आप लोग जीपी रेटिंग कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो पहले प्लेसमेंट के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि हर जगह ऐसा प्लेसमेंट रखा हुआ नहीं है और न जल्दी से जल्दी मिल रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि प्लेसमेंट के बारे में, कोर्स करने से पहले आपको प्लेसमेंट के बारे में सोचना है कि कोर्स कर लेंगे तो प्लेसमेंट किधर से लेंगे और प्लेसमेंट मिल जाएगा या नहीं। ये सबसे बड़ी बात है सोचने के लिए, कि सबसे पहले आपको ये सोचना है कि प्लेसमेंट मेरा कहाँ से होगा। तो मैंने तो कोर्स कर लिया, प्लेसमेंट का कुछ सोचा नहीं था। तो ऐसे बहुत आदमी थे, सीफेरर बहुत लोग थे, जो बताते थे कि मुंबई में जाओ, सीमेन हॉस्टल में रुको और अलग अलग ऑफिस पे जाओ, ऑफिस पे जाके और ट्राई करो, सीवी दो, तो कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट 3 महीना तक मेरे साथ ऐसा चला, मेरा दोस्त भी साथ में है, उसके साथ भी ऐसा ही चला, हम लोग दोनों साथ में ही रहते थे, तो किसी का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। 3 महीना बीत गया, उसके बाद हम चले आए गाँव और मेरा दोस्त भी चला आया गाँव। उसके बाद मेरा दोस्त गया कोलकाता, कोलकाता किसी एजेंट का उसको नंबर मिला, ऑफिस था उसका, तो वो वहाँ गया और वहाँ जाके ट्राई किया। तो उसके ट्राई करने पे मुझे पता चला, वो बाद में मुझे बताया कि मैं कोलकाता गया था और इसके पास गया था और बात किया, वो बोला कि हाँ प्लेसमेंट दिलवा दूंगा। और वो सर्विस चार्ज मांग रहा था, सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा ही मांग रहा था, 3.5 लाख रुपए मांग रहा था मेरे दोस्त से, और वो सर्विस चार्ज का हाफ पेमेंट वो पहले मांग रहा था ज्वाइनिंग के पहले, और उसका RPSL भी वैलिड नहीं था। तो ये बात मुझे पता चली तो मैं अपने दोस्त को तुरंत मना किया, भाई वहाँ से जल्दी निकल जाओ और कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग मत लो, क्योंकि उसका RPSL वैलिड नहीं है और तुम फंस जाओगे। सेम जैसे ही मैं बताया, उसके साथ सेम यही सीन हुआ कि मेरा दोस्त फंस गया। अभी कैसे फंसा ये मैं आप लोगों को बताऊँगा, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, तब तक मैं इस वीडियो में अपनी बातें कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग कोर्स कर रहे हैं तो प्लेसमेंट किधर से लेना है, आपका रिलेटिव या कोई मर्चेंट नेवी में है या नहीं, ये बातें आप लोग उन लोगों से भी पूछ सकते हैं कि जो रिलेटिव में हैं आपके, कि मैं कोर्स करने जा रहा हूँ, मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा या नहीं। यदि आपका रिलेटिव या कोई दोस्त या गांव का आपके मोहल्ले का गांव का यदि कोई आदमी है सीफेरर, तो वो यदि बोलता है कि हाँ कोर्स कर लो, मैं प्लेसमेंट दिलवा दूंगा, या मेरी जान पहचान है, मेरे रिफरेंस से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, या मेरे थ्रू कैसे भी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो आप
कंफर्म कर ले पहले, और बाकी बाद में आप कोर्स करने के लिए जाएं और कोर्स क्लियर करें और प्लेसमेंट लें। क्योंकि अभी बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर मैं कोर्स कर लिया हूँ बट मेरा कोई इस लाइन में है नहीं, मर्चेंट नेवी लाइन में, तो मैं किधर से प्लेसमेंट लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन मैं धीरे धीरे करके सारा चीज़ बताऊंगा जो भी हुआ है मेरे दोस्त के साथ में, मेरे साथ में, प्लेसमेंट में क्या क्या दिक्कत आया है लेने प्लेसमेंट के लिए, सारी चीज़ बताऊंगा। तब तक मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरा ज्वाइनिंग कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब मैं मुंबई जाके 3 महीना बिताने के बाद गांव आया, गांव में फिर आके ये मेरे दोस्त के साथ ये सीन हो गया। कोलकाता का एजेंट के चक्कर में पड़ के, कोलकाता का एजेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसका नाम नहीं लूँगा लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी बचे रहें उससे और आप लोगों के साथ भी कोई फ्रॉड ना हो। सॉरी, 1 मिनट। तो कोलकाता वाले सर के साथ ये सीन हुआ कि मेरा दोस्त वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए गया, उन्होंने एक उसको केबिन दिया, सिप को, सिप पे केबिन, कमरा को केबिन बोलते हैं, मतलब कमरा दिया, एक कमरा दिया और उसने बोला कि आप मेरे पास 1 हफ्ता रहो, आपको 1 हफ्ते में प्लेसमेंट करवा दूंगा और 3 से 3.5 लाख रुपए चार्ज लूंगा। मेरा दोस्त बोला ठीक है यार, 6 महीना से, साल भर से, 1 साल से घूम रहा हूँ, इधर उधर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कम से कम 3 लाख दे के प्लेसमेंट करवा लेता हूँ, बाकी सेकेंड चांस में वो रिज्वाइनिंग के लिए भी बोला था। तो इसके लिए ये सोच के मेरा दोस्त की रेडी हो गया कि ठीक है मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा तो अच्छी बात है, पैसा दे के ही सही। तो वो वहाँ 1 हफ्ते तक रुका, उसके बाद उसने मुझे उसका RPS, मैं उससे RPSL नंबर मांगा, वो RPSL नंबर दिया, मैं उसका RPSL चेक किया तो उसका RPSL इनवैलिड था, उसका RPSL वैलिड नहीं था। मैं बोला कि यार इसका RPSL वैलिड नहीं है, क्यों वहाँ से जा रहे हो, कुछ गलत करेगा तो बोल रहा था कि नहीं, बहुत लड़के इसके पास आए हैं, प्लेसमेंट ले रहे हैं। मैं बोला कि तुम पहले जो लड़का उसके पास से प्लेसमेंट लिया है उस लड़के से कांटेक्ट करो और बात करो उससे कि उसका प्लेसमेंट अच्छे तरीके से हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है प्रॉपर उसको वो मिला है या नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है 10,000 GRT 20,000 GRT, फ्रॉड करने वाले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको सिग्नेचर करा के और आपको भेज देंगे, और जब आपका साइन ऑन होगा तो पता चलेगा कि ये फेक है, ये तो टॉकबोट है। ठीक, तो ये सब मैं अपने दोस्त को बताया, वो बात किया, वो जो उसके पहले जो उस केबिन उस रूम से गया था, क्योंकि वो एजेंट बुला के अपने पास 1 हफ्ते रखता है, 2 हफ्ते रखता है कि अर्जेंट ज्वाइनिंग आएगा तो मेरे यहाँ से ज्वाइनिंग तुरंत कराऊंगा, आप अपना लगेज लेके मेरे पास आके रुक जाओ, अपना CDC पासपोर्ट जमा कर दो। तो मेरा दोस्त CDC पासपोर्ट जमा कर चुका था और उसके पास में रुका था। मैं बोला कि किसी लड़के का जिसका प्लेसमेंट हो गया हो उसका कहीं से नंबर निकालो और बात करो उससे। तो मेरा दोस्त ऐसा किया, किसी लड़के का नंबर निकाला, उससे बात किया और पूछा कि मैं भी आपके ऑफिस पे आया हूँ ज्वाइनिंग के लिए, आप कहाँ, आप मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहा और आपको कौन सा सिप मिला, आपका ज्वाइनिंग प्रॉपर हुआ या नहीं। तो जब बात किया तो उसे पता चला कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था। उसके साथ बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड क्या हुआ था, वो उसने बताया कि मेरे से 3 लाख रुपए लिया और प्लेसमेंट कराया और बोला 10,000 GRT बल्क करियर पे भेज रहा हूँ, लेकिन जब वो ऑनबोर्ड हुआ तो उसको पता चला कि ये टग बोट है और वो भी ईरान में। ईरान का हाल मत पूछो, ईरान के ऊपर भी, ईरान से जो प्लेसमेंट कराते हैं उनका भी वीडियो मैं अगली बार में बनाऊंगा। ईरान में प्लेसमेंट, ईरान से साइन ऑन नहीं लेने का कभी भी, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वो लड़का बताया कि यहाँ पे मेरे को टग बोट में चढ़ा के रखा है और बड़ा GRT बोल के ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भेजा था। तो मेरे दोस्त को पता चला कि ये तो मेरे साथ भी ऐसा फ्रॉड कर सकता है। तो मेरा दोस्त वहाँ से निकलना चाहा, वो ऑफिस पे गया और एजेंट से बोला कि मेरा CDC पासपोर्ट मुझे वापस कर दो। तो एजेंट क्या बोला, ऑफिस वाला क्या बोला, जिसका RPSL अनवैलिड था, वो बोल रहा है कि
नहीं ऐसा नहीं होता है, मैंने आपका टिकट करा दिया, आपका वीज़ा आ गया, मेरा पैसा लग गया, इतना इतना खर्चा हो गया, आप एक हफ्ता से ऐसा नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। बट मेरा दोस्त को मैं बोल दिया आप रेडी मत होना जाने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो उसने मेरा दोस्त बोला नहीं मुझे जाना ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अभी प्लेसमेंट नहीं लूँगा। तो वो क्या बोलता है कि मैं आपका CDC पासपोर्ट नहीं दूंगा, पहले आप मेरा जो भी खर्चा हुआ है वो पे करो, मेरा टिकट का पैसा पे करो और वीज़ा का पैसा पे करो। यहाँ तक कि उसने ना टिकट दिया ना वीज़ा दिया, ऐसा फेक ऐसा टिकट बना के वीज़ा बना के और उसको दिखा दिया, और टिकट का नंबर भी नहीं दिया कि आप चेक कर सको कि ये टिकट सच में है या ये फ्रॉड है। ऐसा बस दिखा के उसको और बोला कि इतना मेरा खर्चा हो गया, इतना खर्चा दो तभी मैं आपको CDC पासपोर्ट दूंगा। तो मैं अपने दोस्त को बोला कि तू वहाँ से निकल जा और बाद में CDC पासपोर्ट ले लेना, पहले उसे बोल कि मैं मुझे जाना ही नहीं है। तो मेरा दोस्त सेम ऐसे किया और वहाँ से निकल गया, फिर कुछ बातचीत करके और अपना CDC पासपोर्ट वहाँ से कोलकाता से लेके आ गया। कोलकाता मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ नाम कि कोलकाता में जो फ्रॉड हुआ है वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो वैसे एजेंट से बच के रहिए आप लोग, ठीक है। वो STCW कोर्स करके जो जाते हैं, एक महीने का कोर्स जो होता है STCW, वो उन लोगों को प्लेसमेंट कराता है टग पे, क्योंकि STCW कोर्स करके आप कोई अच्छा कंपनी आपको लेगा नहीं फ्रेशर में, इसलिए वो STCW वाले को टग में प्लेसमेंट कराता है। तो वहाँ पे GP रेटिंग वालों को भी कराता है, तो ऐसे ही GP रेटिंग वालों को भी टग में भेज देता है, तो उन सबसे आप बचिए। और उसके बाद मेरे दोस्त का CDC पासपोर्ट आ गया, CDC पासपोर्ट वो आ गया, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हम लोग किया, मेरा ज्वाइनिंग हुआ मुंबई से। और मेरा ज्वाइनिंग में ज़्यादा दिन नहीं लगा, मैं एक महीने में मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मेरा ज्वाइनिंग वाराणसी में एक, वहाँ मैं संपर्क किया, मेरे भैया के दोस्त हैं वो, और हाल ही में नया नया ऑफिस खोले हैं, तो वहाँ मैं संपर्क किया, उन्होंने बताया कि हाँ आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, मेरे दोस्त रहते हैं मर्चेंट नेवी में, उनका खुद का RPSL है। तो भैया उनसे बात किए, वो मुझे मुंबई भेजे, मुंबई में बेलापुर में, वहाँ पे मैं गया ऑफिस पे, वो बहुत अच्छे सर हैं, और वो एक महीने में वो किया और बात किया, मेरा एक भी पैसा नहीं लगा, केवल एक महीना वेट करना पड़ा। एक महीना मैं वेट किया और अध्या शिपिंग कंपनी मुझे प्लेसमेंट दिया, और मेरा दुबई से ज्वाइनिंग हुआ। मेरा 16 तारीख को साइन ऑन हुआ, 16 तारीख को मेरी फ्लाइट थी और 16 को मेरा साइन ऑन हुआ, मेरा दुबई से साइन ऑन हुआ टैंकर वेसल पे 57,000 GRT, और एक भी पैसा नहीं लगा वहाँ, बस टाइम लगा और बहुत ही अच्छा RPSL उनका पूरा वैलिड था, और जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो प्रॉपर मुझे मिला। तो आप लोग भी यदि प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं अध्या शिपिंग में, या और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो जिनका ऑफिस मुंबई में है, जो प्लेसमेंट देती हैं फ्री में, तो आप लोग भी उनसे बात करके और प्लेसमेंट ले सकते हैं। ये रहा मेरे ज्वाइनिंग का प्रोसेस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे ज्वाइनिंग में, लेकिन मेरे दोस्त का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसका थोड़ा टफ है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या क्या मेरे दोस्त के साथ हुआ। ये मेरे ज्वाइनिंग का प्रोसेस आप लोगों को पूरी तरह से बता दिया। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से और जल्दी पहुंचते रहे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक बाय बाय।